लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे वाह धर्माधिकारी, ये नेकलेस तो कमाल का है। देखो लगे वाह, आज तो काफी माल इकट्ठा हो गया। बलचे बलचे। अबे ओए चश्मेश, न्याय शर्मा की औलाद, उधर जेब में क्या डाला जा रहा है? ये तो फटा हुआ नोट है, बैंक में बदली करने का है। बदली करने साला जब भी देखो चोरी करना शुरू कर देता है। अबे निकल, अबे निकल। अरे मैं चलाता क्या यार, निकल जाओ। जब देखो तुम लोग मुझे डांटते रहते हो। अरे तुम लोग लोगों से लाखों रुपया चुराते हो, मैं क्या तुम लोगों से 50 सौ भी नहीं चुराता। शराफत के चोले पहने हुए चोरों, तुम लोगों ने आज तक मेरे साथ जो भी अत्याचार किए हैं, भाई मानिए किए हैं, उसका तो मेरे पास एक ही जवाब है कि तुम लोगों को ऐसी मौत मारूं कि आइंदा किसी भी जन्म में तुम्हारे शरीर को आत्मा न मिले। लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही काम से यहां आया हूं कि जिस महान आदमी के नाम पर तुम लोगों ने ये पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पहुंचने के बजाय उसके असली हकदार तक पहुंचा दिया जाए, यानी कि उर्मिला देवी के पास। चलो उठाओ वो माल और डालो बक्से में, डालो। कुछ नहीं माँ, जरा सी चोट लग गई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ने कहा है आप आराम करें, वरना जख्म ताजा है, फिर खून बहने लगेगा। ऐसे थैंक यू। लेकिन लेकिन बेटा बताओ तो, बोलो तो कैसे चोट लगी? कुछ नहीं माँ, रघुराज जी के स्मारक के लिए इकट्ठा किया हुआ चंदा लूट कर भागते हुए एक लुटेरे का पीछा करते हुए। कौन था वो? वही देश का पुराना गद्दार ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह? हाँ बेटा, बहुत ही खतरनाक और जालिम किस्म का इंसान है वो। कहते हैं कि बहुत से लोगों को उसने जान से मार डाला है। तुम अपना ख्याल रखना बेटे, कहीं ऐसा ना हो। फिक्र मत करो माँ, वो बुजदिल है, सामने आने की हिम्मत नहीं, इसलिए जुर्म रात के अंधेरे में करता है। उससे तो मैं निपट कर ही रहूंगा, वो देश का पुराना गद्दार है। आजादी के दिन उसने आजादी के सिपाही श्री रघुराज जी का खून कर दिया। मैं उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं उसे गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पर न चढ़ा दूं। तुम फिक्र मत करो बेटा,
इसमें उनका क्या दोष है? सच्चाई जानने से पहले मैं भी तो तुमसे नफरत करता था। तुम फिक्र ना करो, मैं सीता को समझाता हूं और उसे यहां लेकर आता हूं। ज्वाला हमारे पीछे हाथों के पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ सूरज हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इस वक्त हम दो दुश्मनों के बीच फंस गए। हाँ, यही तो हार्ट फेल करने वाली बात है। समझ में नहीं आता कि क्या करें। ब्रदर, मेरे पास एक रास्ता है। क्या? तुम्हारी बेटी सूरज से प्यार करती है ना? तो तुम उसकी शादी सूरज के साथ कर दो। क्या बकवास करते हो, मैं अपनी बेटी को दुश्मन के घर भेज दूं? अरे भाई जरा सोचो तो, अगर हमारी बेटी दुश्मन के घर जाएगी तो दुश्मन हमारे घर नहीं आएगा। बेहुदा बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। ब्रदर, बहुत गहरी चार है, इनकार मत करो दोस्त। बाकी तू मुझ पे छोड़ देना, ओके? प्लीज, दैट्स गुड। हाँ, बैठो 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 बैठो। पहले तो मैं समझता था कि मैं तुम्हारी शादी को यूं रोक लूंगा, मगर अब नहीं रोकूंगा, क्योंकि जब ये अपने बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर जा सकती है तो इसे साफ जाहिर है कि अपने बाप से ज्यादा तुमको चाहती है। इसलिए तुम दोनों की शादी कर देनी बेहतर है, क्योंकि अगर तुम दोनों ने कहीं छुप के शादी कर ली तो मेरी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। अब तो जनाजा ही निकलेगा। मतलब अब आप हमारी शादी के लिए राजी हैं? मतलब अब आप हमारी शादी के लिए राजी हैं? बोलिए ना डैडी। मैं राजी तो हूँ, मगर एक समस्या बीच में टांगड़ा रही है। समस्या? कैसी समस्या डैडी? ये ज्वाला सिंह खामखा मेरे पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, जान से मारना चाहता है मुझे। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। अब एक तरीका है, या तो तुम लोग शादी करके मेरे पास रहो या मुझे अपने साथ रख लो। क्या है माँ? तुम्हें याद है मैं हमेशा तुमसे एक बाबा का जिक्र किया करती थी? हाँ माँ, ये वही बाबा है। जीते रहो बेटे, जीते रहो। छोटी सी उम्र थी मेरी जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। मुझे अनाथ को इन बाबा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। लगता है माँ आज बड़ा शुभ दिन है। उधर विजय के पिता तुमसे मिलने आए हैं और इधर बाबा मिल गए। विजय के पिता आए हैं? हाँ माँ, आओ आइए बाबा। चलो तुम धर्म अधिकारी हो ना? इत्तेफाक से पहले मैंने आपको कभी देखा है? नहीं। या इत्तेफाक से पहले कभी आपने मुझको देखा है? हो सकता है। इस पृथ्वी को ईश्वर ने गोल बनाया है, लोग बिछड़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जिंदगी का कारवां यूं ही चलता रहता है। पंडित जी, मुहूर्त निकालने के लिए यह घड़ी अशुभ है, आप लोग थोड़ा समय इंतजार कीजिए, मैं कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर बताऊंगा। ठीक कह रहे हैं आप, जब घड़ी अशुभ है तो फिर मुहूर्त निकालने की क्या जरूरत है, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलिए, आपने अपनी काली जबान से कहा था ना कि देर हो रही है, हो गई देर, चलिए उठिए। उठिए, आप चलेंगे? लुका पटा टूटा, भूल गया था चाचा। बाबा, आपने सीता से कह दिया ना कि वो सूरज को अभी मेरे बारे में कुछ न बताए?
कह दिया ना बाबा, बोलिए ना बाबा, आपने कह दिया ना? हाँ कह दिया। बेटा मैं तुझे सदा शांत रहने की शिक्षा देता रहा, हृदय में सुलगती आग को हमेशा खामोशी से बर्दाश्त करने की सलाह देता रहा, लेकिन मेरी शिक्षा मेरी सलाह ने तेरा कभी भला नहीं किया, बल्कि उल्टा नुकसान होता जा रहा है बाबा। हाँ बेटा, सच क्या है यह सिर्फ मैं जानता हूं, तुम जानते हो, लेकिन अगर तुम अपनी जबान से सरकार या जनता के सामने सच्चाई का बयान करोगे तो कोई नहीं मानेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर यह सच मैं लोगों से कहूं तो हो सकता है कि सरकार विश्वास न करे, लेकिन जनता मेरी बात का विश्वास जरूर करेगी। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी के बचे कुचे दिन सुख और चैन से अपनी पत्नी और बेटे के साथ गुजार सको, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जनता के सामने यह घोषणा करूंगा कि तुम निर्दोष हो। मुजरिम वो तीनों हैं। मैं कल ही एक बड़ी सभा बुलाता हूं जहां मैं ये ऐलान करूंगा। हो गया? किसने मारा इस महात्मा को? किस शैतान ने इस फरिश्ते का कत्ल किया? तुम लोग खामोश क्यों हो? किसी ने उस कातिल को देखा नहीं क्या? हम लोग टहलते हुए उस तरफ जा रहे थे, किसी की आवाज सुनी जैसे कोई किसी का गला दबा रहा है, और हम भागे किनारे और देखा। क्या देखा? एक आदमी अधेड़ उम्र वाला, बड़ी हुई दाढ़ी, काली कमीज सलवार पहने हुए इनका बुरी तरह से गला घोंट कर मार रहा था। अधेड़ उम्र, बड़ी हुई दाढ़ी, काली सलवार कमीज, ये तो ज्वाला सिंह है। ज्वाला सिंह, जा कमीने! इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए ज्वाला सिंह। मैं कहता हूं रुक जाओ। ये तो सही, भगवान के लिए क्या हुआ? खून कर दूंगा, जान से मार डालूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा। किसको? धर्माधिकारी सत्यदेव न्याय शर्मा को। क्यों? उन तीनों ने सीता उन तीनों ने बाबा का खून कर दिया। बाबा का खून? हाँ बाबा का खून। मैं उन तीनों कमीनों को कुत्ते की मौत मारने ही वाला था कि सूरज वहां पहुंच गया, उसकी खातिर मुझे वहां से भागना पड़ा। क्या सूरज भी वही है? हाँ, उसी की वजह से धर्माधिकारी मेरे हाथों से बच निकला,
नहीं तो आज उन तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ देता। इस धरती से जब तक उन तीनों पापियों का नामो निशान नहीं मिटा देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जीप आ गई, हो सकता है सूरज आ गया हो। चलिए अंदर चलकर छुप जाइए। सीता, भगवान के लिए, वो आपको देखते ही गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन सीता मैं नहीं, नहीं भगवान के लिए चलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। माँ, क्या बात है बेटा? यहाँ कोई आया था? यहाँ यहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन ज्वाला सिंह भाग कर इसी तरफ आया है। ज्वाला सिंह, वो भला यहाँ क्यों आएगा बेटा? लेकिन मैंने उसे घर की चार दीवारी के अंदर छलांग लगाते हुए देखा है। माँ, तुम झूठ बोलकर सच्चाई पे पर्दा तो डाल सकती हो, मगर उसे मिटा नहीं सकती। ये क्या है? रुक जाओ ज्वाला सिंह, छोड़ो। माँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो माँ? तुम पागल हो गई हो? वो हत्यारा है, बाबा का खूनी है। माँ, वो खूनी नहीं है, वो खूनी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो हत्यारा नहीं है बेटे, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो खूनी नहीं है सूरज। तो फिर कौन है वो? वो कौन है? बोलो माँ, वो कौन है? आज तक मैंने इस घर को अपना मंदिर और तुम्हें अपना भगवान माना, और आज मेरा भगवान ही मुझसे झूठ बोल रहा है। इस मंदिर में ही छल कपट का खेल खेला जा रहा है। नहीं बेटा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कौन है माँ? वो कौन है? बोलो ना। वो तेरे पिता है बेटे, पिता है। मेरे पिता ज्वाला सिंह, मेरा पिता। तो फिर तुमने ये बात मुझे आज तक क्यों नहीं बताई माँ? मुझे भी थोड़े दिन पहले ही पता चला। बाबा ने मुझे खुद बताया कि वो निर्दोष है। उनका पीछा छोड़ दो बेटे, उनका पीछा छोड़ दो।